गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आए हैं बर्ड पार्क में। बर्ड का व्यू देखेंगे कैसा है, लाजवाब है कि सो जुरोंग बर्ड पार्क सिंगापुर में आ चुके हैं अपन। ये हमारी टिकट है, ये वाइल्ड लाइफ दिखाया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 23/9/2018 से 23/3/2018। तो ये टिकट है, अभी चल रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स, ये है पब्लिक। तो हम आ गए हैं यहाँ, देखते हैं बर्ड शो में बर्ड का व्यू और साथ में भी बैठने का जगह देख लेते हैं। और ये यहाँ पर कितने सारे पंछी हैं और यहाँ पर कुछ शो दिखाया जा रहा है। हम लेट हो गए हैं देखने के लिए और क्या बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ देर देखते हैं क्या है यहाँ पर, फिर उसके बाद दूसरा शो देखने चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, तो सफारी जो बर्ड की है वो अभी इस छोटी सी नन्ही सी गाड़ियों में हम जाने वाले हैं। पूरा फैमिली ट्रिप जो आ रहा है हमारा, ये नन्ही सी गाड़ी में हम तीन तीन करके बैठेंगे। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। सुहाना सफ़र तो है मगर ऐसा लग रहा है कि सफ़र अच्छा नहीं है, क्योंकि मज़ा ही नहीं आ रहा है। बर्ड पार्क में बर्ड ही नहीं दिख रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है हमको। दिस इज अमेरिकन बर्ड शो देख लिया है मगर कुछ मजा नहीं आया। और अभी रिटेल स्टोर बना हुआ है एग्जिट जाने के रूट पे, रिटेल स्टोर बना हुआ है जहाँ पर आप सामान खरीद सकते हैं। बर्ड्स के बेहतरीन चीजें हैं मगर कॉस्टली हैं, तो जल्दी बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, लास्ट स्पॉट इतना जबरदस्त नहीं था मगर अभी तो मजा आ रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है और लुक भी बेहतरीन दिख रहा है। यहाँ का नज़ारा देखिए, तो ऐसा है कि हम एक अच्छे स्पॉट में जा रहे हैं। ये बस क्या कलरफुल है, ग्रीन ब्रीज, और ये कार बहुत ही साइलेंट, लग्जरी लाइफ है ऐसा लगता है यहाँ देखने से, मज़ेदार है। तो अभी हम जाने वाले हैं सेंटोसा आइलैंड, जो कि बहुत ही फेमस है और ये एक अलग आइलैंड है जिसको खुद इंसान ने बनाया है उस जगह को बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो चलिए उसके बारे में और बताता हूँ, अभी तो यहाँ का मजा लीजिए फ्रेंड्स। सेंटोसा आइलैंड, हमारे गुरु जी को प्रणाम कीजिए, कैसा उनको फीलिंग आ रहा है। 24-41 years old. I'm looking for 21 so we are towards Santosa Island and this is the route. और एक छोटा सा नजारा यहाँ का, आगे चलते हैं। फिर मेट्रो में आ गए हैं, अब नेक्स्ट स्टेशन हमको जाना है जो कि इंडियन है उसका नाम। तो बस मेट्रो से हम अगले स्पॉट में जाएंगे और यहाँ से मैं आपको कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ। अभी तो हम यहाँ मेट्रो में हैं और ये खूबसूरत नज़ारा यहाँ का ग्रीनरी। धक्का देना भाई जोर से, वजन तेरा ज़्यादा हो गया क्या, चिल रहा बहुत गाड़ी। और भी रंगीन हो गई हो, 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 हो।
is my friend. Hello. To do only. तो हम नीचे आ गए हैं इंडियन पार्क में और ये सामने मैरिलियन का स्टेच्यू खड़ा है, उसके ऊपर भी चल रहे हैं, हमको वहां से भी व्यू दिखेगा और अभी हम आगे चलते हैं। तो अब हम केबल कार से सिंगापुर का पूरा नज़ारा लेंगे और यहां लाइन बाय लाइन हमको खड़े होके और एक में तीन तीन छः लोग ही बैठ सकते हैं, तो बस इंतजार कर रहे हैं कि अपना नंबर कब आएगा। और बहुत एक्साइटमेंट है कि ऊपर से जो नज़ारा देखने को मिलेगा लाजवाब रहेगा, इससे अच्छा व्यू कुछ हो ही नहीं सकता। हम ड्रोन से लेते हैं फुटेज मगर इस केबल कार के थ्रू हम पूरा आइसलैंड का व्यू जबरदस्त देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, बस नंबर आने वाला है और अंदर जाके बैठ के ऊपर से फिर मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ आइसलैंड का। तो हम केबल कार में बैठ गए हैं और ये हम ऊंचाई में जा रहे हैं और देखिए यहाँ का वो मैरिलियन का स्टैचू बना हुआ है, उसमें भी हम जाएंगे, वहाँ पर भी एक वहाँ से फुटेज लेंगे। है कि ये नज़ारा देखिए, सामने बेहतरीन व्यू दिख रहा है और इसी के जस्ट पीछे साइड में इसी आइसलैंड में यूनिवर्सल स्टूडियो, वहां पर भी जाएंगे हम। इसके साथ साथ मैं आपको यहां दिखा दूं कितनी ग्रीनरीज है, मजा आ रहा है देखने में। तो अब यहां का एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि बहुत ही तरीके से ये आइसलैंड बनाया हुआ है। ये देखिए नीचे का व्यू, केबल कार जिसमें आप पैर लटका के बैठ सकते हैं, वो केबल कार भी है जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, एक से एक चीजें यहाँ पर देखने के लिए। साथ में इतना जबरदस्त व्यू, एकदम हम अभी टॉप में है बिल्कुल, और देखिए ये पूरा नजारा दिख रहा है यहाँ पर सिंगापुर का, क्योंकि हम एक आइसलैंड में है, सिंगापुर अलग है और आइसलैंड छोटा सा है, और यहाँ पर ये बीच कितना जानदार बीच है जो कि इसको खुद इंसान ने बनाया, यहाँ कहने की जबरदस्त व्यू है। सामने वहां पर देखिए रिसोर्ट भी बना हुआ है, बीच भी है, यहाँ पर पलावन बीच भी है और सिलोसो बीच भी कुछ कहा जाता है यहाँ पर। और ये सामने हमको कुछ टावर टाइप का दिख रहा है, हाँ ये है जंपिंग करने के लिए। तो अपने को अगर मौका मिला तो हम इसका मजा जरूर लेंगे फ्रेंड्स। ये आइसलैंड बहुत ही बेहतरीन व्यू है, कभी भी आए तो जरूर इसका मजा लें फ्रेंड्स, नज़ारा तो जोरदार है बीच का, बहुत ही खूबसूरती से इस जगह को बनाया है, मजा आ गया देख के। लाइन से शिप खड़ी है, नीचे उतरेंगे तो मौका मिला तो वहाँ का व्यू भी आपको कवर करके दूंगा, अभी तो यहाँ का नज़र लीजिए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ऊपर से मुझे। नीचे ये जो अपन जगह देख रहे हैं ये पलावन बीच है, जो कि बहुत तरीके से सिस्टमेटिक वे से पेड़ लगाए गए हैं और बनाए गए हैं। तो एक एंड से चढ़े थे और अब एक एंड है जहां पर अब खत्म हो रहा है, और हो सकता है कि हमारा वीडियो यहीं पर खत्म करें हम, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है ये वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी ये हाफ टाइम का वीडियो मिलेगा। तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग।